हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। डायरेक्शन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो की। जैसे अगर हम दो कंटेनर में पानी भर दें, तो अगर सेम लेवल पे हैं बच्चों दोनों, तो वाटर यहां से यहां फ्लो नहीं होगा। अब एक का लेवल ज्यादा कर दे, एक का लेवल कम कर दे, तो हाइट डिफरेंस के कारण एक प्रेशर आ जाएगा, उनमें प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड फ्लो कर जाएगा एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। हीट फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो चार्ज फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बच्चों, ठीक। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं, बात करते हैं। बच्चों मान लो ये एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है ये ए, ये दोनों मान लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें? देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों का अंतर, डिफरेंस यानी नेगेटिव साइन लगेगा दोनों के बीच में, VA माइनस VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब कौन? आप कर रहे हो वर्क, ठीक है। चार्ज को कहां से कहां तक ले जाने में? बी से ए तक ले जाने में। किस चार्ज को बी से ए तक ले जाने में? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको क्या कहते हैं बच्चों? टेस्ट चार्ज। बहुत छोटा होता है ना, वेरी स्मॉल, ठीक है। इस छोटे से चार्ज को आप बी से ए तक ले गए, तो जितना आपने वर्क किया बी से ए तक ले जाने में बच्चों, जितना भी आपने वर्क किया क्यू नॉट को बी से ए तक ले जाने में, ये क्या निकल आया इसकी हेल्प से? पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। बी टू ए किसको लेके गए? Q नॉट को। तो ये निकल आया VA माइनस VB। अच्छा मैंने ये पहले क्यों लिखा और ये बाद में क्यों लिखा, क्या इससे कोई मतलब है कहां से कहां ले जा रहे? बिल्कुल है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, यानी फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये कहां पे ले जा रहे हो? फाइनल पे ले जा रहे हो, इनिशियल से ले जा रहे हो। V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल अपॉन क्यू नॉट, ठीक बच्चों। तो इसके हेल्प से क्या निकल आएगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा, जो भी आप वर्क करेंगे यहां से यहां ले जाने में, तो ये वी ए माइनस वी बी निकल जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। वर्क डन जो भी आपने इनिशियल से फाइनल में किया होगा क्यू नॉट को ले जाने में, क्यू नॉट को ले जाने में, ठीक है ना, एक कूलम चार्ज को ले जाने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाने में, जो भी वर्क करते हैं वही वर्क क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल की बात करें तो एक पॉइंट फिर कहां हो जाएगा पोटेंशियल में? इनिशियल पॉइंट कहां हो जाएगा? इंफिनिटी। तो अपन लिख सकते हैं, मान लो यहां पर निकालना, और ये बी वाला पॉइंट कहां चला जाएगा? इंफिनिटी पे, इनिशियल वाला। तो वी फाइनल माइनस इनिशियल वाला इंफिनिटी is equals to work done by external agent upon Q naught। और infinity का potential क्या होता था? Zero होता है infinity पे potential। Earth का potential और infinity का potential zero होता है। तो बच्चों final potential यानी एक particular point का potential निकल आएगा। कितना आ जाएगा? Work done by external agent upon Q naught। ठीक है? Work done by external agent। अच्छा लाना कैसे है इसको चार्ज को? बिना इसकी speed change किए। ऐसा कैसे possible? देखो बच्चों क्या होता है? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां पे अगर क्यू नॉट रख दे तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, कितना? क्यू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई। और देखो और बड़ा बच्चों आपको दिख जाए अच्छे से, यहां पे अपन ने रख दिया क्यू नॉट चार्ज, इस पे इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कितना? क्यू ई लग रहा है। अब आप जब इसको इधर ले जाएंगे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करके, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करके इस पॉइंट तक, तो आप ये क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं बच्चों, वर्क कर रहे हैं। और वर्क कैसे कर रहे हैं? जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगाएंगे क्यू ई। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हुए धीरे 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 हम ले जा रहे हैं बिना इसकी स्पीड चेंज किए। स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, The charge should move very slowly, so no change in speed and kinetic energy. ठीक है स्टूडेंट, समझ आई बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इस इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आप यहां से यहां तक आपने लाने में जो वर्क किया, किसको लाने में? क्यू नॉट को लाने में जो वर्क किया, वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है बच्चों।
यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट यहां से यहां तक आप जो भी वर्क करते हो मूव करने बच्चों चार्ज को, वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो अब ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा तो वहां का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इसको जीरो लिख देंगे इनिशियल वाले को। फाइनल वाला मान लो कहीं इन्फिनिटी पे है या उस जगह का पोटेंशियल जीरो है तो इसको जीरो लिख देंगे, नेगेटिव आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, वो न्यूमेरिकल में आगे आगे समझ आ जाएगा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत, नोट कर लो अच्छे से। हाँ एक बात और याद रखना, ये जो वर्क कर रहे हैं ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, कैसे भी लेके आ सकते हो आप, ऐसे सीधा नीचे से घुमा फिरा के, जिससे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती थी ना पाथ पे, वैसे ये वर्क डिपेंड नहीं करता पाथ पे। बच्चों तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ आया, अब वर्क डन की बात करें। अभी हमने क्या निकाला, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वर्क डन कितना होगा बच्चों, वर्क डन होगा क्यू नॉट V final minus V initial। पर बच्चों हमेशा Q not unit positive test charge नहीं move किया जाएगा, ऐसा कोई जरूरत थोड़ा ना हर बार Q not ही move करो, आप 5 कूलम 10 कूलम कुछ भी move कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अगर आप एक पॉइंट से, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, अगर Q चार्ज move करते हो तो यहां से यहां move करने में work done कितना होगा, work done in moving Q, तो वर्क डन हो जाएगा Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। बच्चों ये क्या है, फाइनल पोटेंशियल, ये क्या है इनिशियल पोटेंशियल। Q चार्ज मूव किया तो W आ गया वर्क डन बच्चों। ठीक, VF मतलब V फाइनल मतलब फाइनल पोटेंशियल, VI मतलब इनिशियल पोटेंशियल। बच्चों अगर इंफिनिटी पे हो आप, इंफिनिटी ठीक है ना, तो इनिशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगर आप इन्फिनिटी पे हैं तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। स्टूडेंट्स इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो। ठीक है, तो अगर आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो चार्ज को, ठीक है ना, अब मान लीजिए बच्चों आप चार्ज क्यू को मूव कर रहे हो कहां से कहां, इन्फिनिटी से एक ऐसे पॉइंट पे जहां का पोटेंशियल भी है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, क्या होता है जीरो होता है। तो अगर बच्चों आप इंफिनिटी से आए, इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या है जीरो, और जिस पॉइंट पे आए उसका पोटेंशियल क्या है वी, ठीक है, तो आप क्यू चार्ज को लाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल कितना, वी है, और इनिशियल मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो, यानी इनिशियल पोटेंशियल जीरो। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू वी हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल भी डिफाइन कर देते थे कि V is equal to W by Q not, क्योंकि जगह Q not हो जाता था तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल भी निकल आता था इस बेसिक फॉर्मूले से। ठीक है ना, इस बेसिक फॉर्मूले से हम पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकला है पोटेंशियल। और वर्क डन निकला है कितना बच्चों, अगर आप V पोटेंशियल में ला रहे हो इन्फिनिटी से तो क्यू भी आ जाएगा। ओके, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक, तो कई बार वर्क डन पूछ लिया जाता है कि आप एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल में चार्ज को मूव कर रहे हैं कितना वर्क डन होगा। फॉर्मूला हमारे सामने है, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक, अब देखो बच्चों आप लेके गए मान लो 4 कूलम को, कहां से, 10 वोल्ट से 4 वोल्ट पर लेके गए, तो वर्क डन कितना हुआ यहां से यहां तक ले जाने में, इसको ए बोल दिया इसको बी बोल दिया, तो ये आ जाएगा W is equals to Q V final minus V initial। तो Q कितना है 4, final potential कितना है 4, initial कितना है 10, तो ये कितना आ गया 4 minus 6 minus 24 joule। अरे ये negative आ गया, इससे क्या समझे, देखो बच्चों work done का जो formula है Q V final minus V initial, अगर ये work done positive आता है तो ये किसने किया है, ये एजेंट ने किया है, हमने किया, हमने पॉजिटिव आया तो हमने, और अगर वर्क डन क्या आया नेगेटिव आया तो किसने किया है, फील्ड ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। ठीक है, तो वर्क डन अगर पॉजिटिव आता है दैट मींस हमने किया है, नेगेटिव आता है दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है। तो अभी क्या आ रहा है नेगेटिव, कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अगर वहां पे पॉजिटिव प्लेट है, मान लो मेरे हाथ में नेगेटिव चार्ज है, मैं छोड़ दूं खुद चला जाएगा, कौन कर रहा है वर्क, मैं नहीं कर रहा,
वर्क नेगेटिव आ रहा है मतलब मैंने नहीं किया, उसने खुद खींच लिया चार्ज को। अब मान लो वो पॉजिटिव प्लेट है, मेरे हाथ में पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं पॉजिटिव की तरफ भागूंगा बच्चों, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? रिपेल करेगा, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, वही बात है, ठीक है? तो वो पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक। चलो ये समझ आया। एक और क्वेश्चन, मान लो इसको लेके गए 2 कूलम को, लेके गए अपन बच्चों 4 वोल्ट से 14 वोल्ट पे लेके गए, ठीक है। वर्क डन कितना होगा यहां से यहां तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन ए से बी तक का निकालना है, तो वर्क डन ए से बी तक का निकालना है, तो वर्क डन होगा क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इनिशियल मतलब ए, क्यू कितना 2, फाइनल पोटेंशियल कितना 14, इनिशियल पोटेंशियल कितना 4, कितना आ गया 10, तो वर्क डन कितना आ गया 20 जूल, वर्क डन आ गया 20 जूल, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार एक मिनट, पहले मैं क्वेश्चन आया, ठीक है, कर रहे हैं 4 वोल्ट से -2 वोल्ट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा इस केस में? इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, तो इसने क्वेश्चन पूछा था IEEE ने कि वर्क डन बताइए ए से बी तक मूव करने का, तो जो बोले ए से बी, तो बी फाइनल हो गया और ए इनिशियल हो गया, ठीक है। तो ए से बी तक का वर्क डन हम निकालेंगे, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्यू कितना -2, चार्ज को साइन के साथ रखना है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में साइन के साथ रखा जाता है, ठीक। फाइनल पोटेंशियल -2, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फॉर्मूले का और ये 4, तो ये कितना आ गया -2, ये आ गया -8, -2 -8 प्लस 16 जूल, ये आ गया बच्चों वर्क डन, ठीक। कोई प्रॉब्लम? देखो आप क्वेश्चन पूछा है, ये भी AIEEE में आया बच्चों, 100 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वेश्चन AIEEE में आया है, ठीक। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करो, यहां पे स्टॉप कर दो यहां पे, और खुद से सॉल्व करो, फिर आंसर चेक करो, ठीक। पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा सॉल्व करो। कई बार बच्चे गलत आंसर निकालते हैं और वो गलत आंसर भी अवेलेबल रहता है, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं, तो वर्क डन होगा क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्यू क्या होता था हमने पहली क्लास में पढ़ा था बच्चों, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, क्यू इज इक्वल टू एन, एन कितना 100 और चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो वर्क डन हमने निकाला क्यू 100 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, फाइनल पोटेंशियल -4 माइनस इनिशियल पोटेंशियल 10, ठीक। तो ये वर्क डन कितना आ गया बच्चों 100 × 1.6 × 10⁻¹⁹ × -14, ठीक। तो ये आ गया बच्चों -14 × 1.6 × 10⁻¹⁹ हाँ स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा -14 × 1.6, ये पावर जाएगा तो ये 10⁻¹⁷, ओके। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 224, एक के बाद डेसिमल 22.4 × 10⁻¹⁷ जूल, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो -2.24 × 10⁻¹⁶ जूल आ जाएगा। आया सभी का यही आंसर, ठीक बच्चों? आया सभी का? गलत आया, गलत है आंसर, और ऑप्शन में भी अवेलेबल था, गारा के बच्चा कुछ होता सही किया था, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ये देखिए हमने नेगेटिव नहीं लिया इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव लेना था,
इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और यहां वर्क में चार्ज को साइन के साथ रखा जाता है। तो वर्क क्या होना था, यहां नेगेटिव आना था बच्चों, यहां नेगेटिव, ये नेगेटिव होता, ये नेगेटिव होता, तो यहां पे बच्चों ये नेगेटिव हो जाता, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो फाइनली जो वर्क आता वो आ जाता प्लस 22.2.24 इनटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल। ठीक है, और जिसने ये निकाल लिया पॉजिटिव, सुपर इंटेलिजेंट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड, वेरी नाइस बच्चे। ठीक बच्चे पार्टी, तो बच्चों वर्क डन हम जानते हैं, एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक ले जाने का क्या होता है, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है बच्चों, ये एक रिंग है, इस पर चार्ज क्यू और रेडियस कैपिटल आर है इसका। ठीक है, इसके सेंटर से इस पॉइंट पी तक एक्सिस तक, ये जो पॉइंट है एक्सिस का है। ठीक है, वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम सेंटर टू एक्सिस एट डिस्टेंस आर रूट थ्री। कितना वर्क करेंगे यहां से यहां तक, यहां से यहां मूव किया Q नॉट को, कितने डिस्टेंस है ये x से आर रूट थ्री। ठीक है, ये a और ये b, a से b तक लेके गया। a कौन सा पॉइंट है, सेंटर का, रिंग के सेंटर का, और b कौन सा पॉइंट है, रिंग के एक्सिस का पॉइंट है। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वर्क डन हो जाएगा क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्यू की जगह क्यू नॉट आ जाएगा। फाइनल पोटेंशियल कहां का, बी का, बी कौन सा पॉइंट है, एक्सिस का, यानी पोटेंशियल एक्सिस माइनस पोटेंशियल सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, क्यू नॉट एक्सिस का पोटेंशियल के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की जगह आर रूट थ्री आ जाएगा, माइनस सेंटर का पोटेंशियल, सेंटर का क्या होगा बच्चों, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाय कैपिटल आर होगा सेंटर का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें बच्चों, तो ये आएगा के क्यू अपॉन टू आर आएगा, इसको सॉल्व करने पे टू आर माइनस के क्यू बाय आर। ठीक है, इधर हाफ है ना, वन बाय टू और माइनस वन है, वन बाय टू माइनस वन, माइनस वन बाय टू, तो यह आ जाएगा क्यू नॉट माइनस वन बाय टू के क्यू बाय आर। ठीक है, ये आ गया वर्क डन, तो वर्क डन हो जाएगा बच्चों माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन टू आर। ठीक बच्चों, नोट कर लो। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बोला गया, अ चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, फाइंड वर्क डन। ये एक रिंग है बच्चों, ये दूसरी रिंग है, टू रिंग्स हैं, एक रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर पे अपन लेकर गए हैं चार्ज क्यू को। ठीक है, किसको लेके गए, एक चार्ज क्यू को लेके जा रहे हैं ए से बी तक। फर्स्ट वाली रिंग पे चार्ज क्यू वन है, रेडियस आर है, दूसरी वाली रिंग का चार्ज क्यू टू है, रेडियस आर है। आप ए से बी पर लेकर गए, ए से बी पर लेकर गए, आपको वर्क डन निकालना है ए से बी तक का। तो बच्चों सॉल्यूशन की बात करें तो वर्क डन होगा ए से बी तक ले जाने का क्यू वी फाइनल माइनस बी इनिशियल, यानी क्यू वी बी माइनस वी ए, ए से बी पर लेकर। अच्छा बच्चों ये बताओ बी पर कितने पोटेंशियल है, बी पर और ए पर बच्चों दो दो पोटेंशियल है, दोनों पॉइंट पे टू टू पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहे हैं। कैसे, बी पॉइंट जो है वो इस रिंग का, सेकेंड रिंग का सेंटर है और फर्स्ट रिंग के एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जो बच्चों ए है वो फर्स्ट रिंग के सेंटर पे है और सेकंड रिंग के एक्सिस पे है। समझ रहे हो मेरी बात, ए पॉइंट फर्स्ट रिंग के सेंटर पे, सेकंड के एक्सिस पे, बी पॉइंट सेकंड के सेंटर पे, फर्स्ट के एक्सिस पे। ओके चलिए, तो अब क्यू वी बी, बी पर कितने पोटेंशियल, इस जगह का पोटेंशियल पहले लिखेंगे, इस रिंग के सेंटर का KQ 2 by R, और इस रिंग के एक्सिस का, रिंग के एक्सिस का जब निकालते हैं तो हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए जो कि R रूट 2 आएगा। ठीक है, तो इस जगह का पोटेंशियल जो है B का बच्चों इस रिंग के सेंटर का हो गया, और इस रिंग के एक्सिस का, एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, KQ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर था। ठीक है, अब माइनस
ए, ए पर कितने पोटेंशियल, इस रिंग के सेंटर का, इस रिंग के एक्सिस का। तो ये आ जाएगा फर्स्ट रिंग का क्या है वो सेंटर है, तो के क्यू वन बाय आर प्लस सेकेंड रिंग का एक्सिस है तो के क्यू टू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों ही केस में ये एक्स कितना है, आर है, आर तो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होगा, तो कितना आ जाएगा आर रूट टू यहां, आर रूट टू यहां। ओके बच्चों, तो ये आ गया क्यू के क्यू टू अपॉन आर प्लस के क्यू वन अपॉन आर रूट टू, यहां लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का आर बाहर आ जाएगा, रूट टू बचेगा, आर रूट टू आ गया। ओके, माइनस के क्यू वन अपॉन आर प्लस, माइनस प्लस अगर ब्रैकेट ओपन ही कर दे यहां पे तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू वन बाय आर माइनस प्लस माइनस के क्यू टू अपॉन आर रूट टू। ओके, अब देखिए यहां से अपन क्या करें, कॉमन ले लेते हैं Q2 Q2 वाले और Q1 Q1 वाले, Q1 वाले को कॉमन ले, पहले Q2 वाले को ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q K by R हर जगह है, तो KQ by capital R हर जगह से बाहर, अब क्या अंदर Q2 वाला पहले ले ले, तो Q2 माइनस Q2 by root 2 बचा, ब्रैकेट Q2 ठीक है। अब Q1 तो Q1 नेगेटिव वाला पहले ले लो, नेगेटिव वाला, तो जब कॉमन लोगे तो माइनस Q1 ब्रैकेट लगाओगे तो नेगेटिव, जब ब्रैकेट लगाए तो अंदर के साइन पलट जाएंगे, माइनस Q1 बाय रूट टू। ओके, अब क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर Q2 माइनस Q2 बाय रूट टू, तो Q2 यहां से कॉमन आ जाएगा और Q1 यहां से कॉमन आ जाएगा, यानी कि Q2 माइनस Q1 दोनों जगह से कॉमन आ गए। अब अंदर क्या बचा यहां पे, 1 माइनस 1 बाय रूट टू, तो 1 माइनस 1 बाय रूट टू कॉमन हो गया, ठीक है। Q2 माइनस Q2 यहां से कॉमन, Q1 यहां से कॉमन, नहीं आया समझ में, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, देखो को लिखते हैं W इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर Q2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय रूट टू माइनस Q1 कॉमन 1 माइनस 1 बाय रूट टू, ठीक है। अब 1 माइनस 1 बाय रूट टू कॉमन ले लो, तो के क्यू बाय कैपिटल आर Q2 माइनस Q1 बचा 1 माइनस 1 बाय रूट टू बाहर, ये निकल आया वर्डर ए से बी तक ले जाने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट देखो बहुत ही इजी है, सॉल्व प्रैक्टिस करते जाओगे तो इजी लगने लगेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, अच्छी प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत तो नहीं इस स्टेप में, ये कुछ नहीं किया बच्चों, देखो Q2 एक साथ लेंगे, ये अब 1 1 वाले, तो बड़ा वाला इसमें आगे क्या है, मैग्नीट्यूड 1 है ना, और इसमें 1 बाय रूट 2, तो इसको पहले लिखा माइनस में और इसको प्लस में लिखा, ठीक है, और फिर अपन ने साइन कॉमन ले लिया, ठीक, नेगेटिव साइन जब कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा।